जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। फटाफट से बेटा, इतने लोग हो ना, अंशिका, देवेंद, धनगर, पुष्पा, आयुष, हेमू, रूबी, रूबी है ना बेटा, सभी लोग एक एक बार शेयर कर दो। आवाज आ रही मेरी आप लोगों तक, एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। हाँ, जय हिंद वंश बेटा। फटाफट से जितने लोग लाइव हो ना, वो शेयर कर दो बेटा, इसको इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है बेटे। हाँ जी जी, जय हिंद, जय हिंद बेटा। सभी को फटाफट से, अपने पास 3-4 मिनट अभी बाकी है। जय हिंद बेटा सभी को। रंजीत चावड़ा, नमस्कार सर जी, नमस्कार। चंबल टाइगर, राम राम। माठ साहब, राम राम। नमस्कार बेटा सभी को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। फटाफट से बेटा, जितने आपके आसपास करीबी करीबी रिश्तेदार, दोस्त दुश्मन है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तुम्हारे दोस्त फैले हुए हों, जहाँ जहाँ तुम्हारे दोस्त पाए जाते हों, एक एक बार सबको अजितेश, जय हिंद, जय हिंद भाई साहब। हाँ जी बेटा, फटाफट से। सोनाली पटेल, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा सोनाली, है ना। आपने अपने स्टेटस में एक एक बार इस लिंक को बेटा लगा लो, इस लिंक को एक एक बार अपने स्टेटस में लगा लो, ताकि सारे दोस्तों को पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके बेटा, लाइव आ सके। हाँ जी बेटा, क्या बात है ना, जितने ज्यादा बेटा जुड़ेंगे, उतना ज्यादा पढ़ाने में भी मजा आता है ना। हाँ जी, चलें बेटा। हाँ जुड़ने दो बेटा फटाफट। अरे ये लाइट क्यों चमक रही है बेटा, इसका एक सेकंड, लाइट का अपन इलाज करके देखते हैं ना। हाँ जी, हो गए, लाइट का इलाज हो गया। जय हिंद रीवा, आरएसएस रीवा, आदित्य प्रकाश, समरजीत सिंह, जय हिंद शिव कुमार कुर्मी जी, जय हिंद बेटा सभी को, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, है ना बेटा। फटाफट से क्या करो, जितने भी आपके पास बेटा सोशल मीडिया के ग्रुप हों, से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास हों, सारे आप क्या कर दो, सबको एक एक बार शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। हाँ जी रंजीत जी, जय हिंद बेटा। हाथ धोते रहें, कोरोना को दूर करते रहें, हाथ धोते रहें, कोरोना को दूर करते रहें, है ना बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम बेटा। आदित्य प्रकाश, समर्थ सिंह, जय श्री राम। हाँ जी बेटा, फटाफट से, अपने पास अभी कितना टाइम है। राहुल कसवारे आ गए हैं, जय भीम, जय भीम बेटा, है ना। और जल्दी जल्दी, जय हिंद, जय भीम बेटा। फटाफट से लोग जोड़े हैं बेटा, है ना। एक दो मिनट और अपन वेट करते हैं, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8 बजे का टाइम रहता है बेटा, और अपन ने आज 7:45 से क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, ताकि लोगों को पता चल सके और जुड़ सके, है ना बेटे जी।
सभी लोग लाइक कमेंट फटाफट ठोको, लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो। जो पहली बार जुड़ रहे हैं बेटा वो सब्सक्राइब भी करते चलो। हंसिका गुर्जर जी, हाँ जी बेटा लगा दो फटाफट से। जैसे अपने पास 25-30 लोग आ जाएंगे फटाफट से अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, है ना बेटा। आराधना दी, जय हिंद, जय जय हिंद बेटा। पूजा पवार, जय हिंद, जय हिंद पूजा बेटे। और फटाफट से जोड़ो जल्दी से, है ना। कमेंट फटाफट से ठोकना है, लाइक भी ठोकना है और शेयर तो करना ही करना है बिना बताए ही। रितिक क्या मतलब, जय हिंद। अंशिका गुर्जर, रोकेश सर ठीक है बेटा। 8:01-2 हो चुके हैं ना। हाँ जी बेटा, जय प्रकाश दुबे जी, अभिषेक, जय हिंद, जय हिंद भाई साहब, जय हिंद पंडित जी, जय प्रकाश जी। हाँ जी बेटा, क्या बात है यार, तुम लोग आज लेट जुड़ रहे हो, इतने में तो फटाफट से अभी, अच्छा 8 हैं इसीलिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बच्चे 8 का पता है बच्चों को, तो अभी बच्चे 8 ही आएंगे। खुशी चतुर्वेदी, जय हिंद। रावल जी, आप चिंता ना करिए, हम करते हैं प्रबंध। हाँ जी बेटा बिल्कुल, आप लोग प्रबंध करो। हेमू राजपूत, जय हिंद बेटा हेमू। सर इंग्लिश की क्लास कब से लगेगी सौरभ? बेटा ये सर बता पाएंगे, है ना। और भाई चले स्टार्ट करें फिर बेटा, स्टार्ट करें कि 1-2 और वेट कर लेते हैं। 8:01 तक ही आदमी जुड़ते हैं बेटा, है ना। 8:05 तक ही पूजा गुर्जर आ गए, सर स्टार्ट करिए। सर आर्मी की कट ऑफ क्या रहता है जीडी का? रंजीत चावड़ा जी, देखो रंजीत, एक सेकंड में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आज सर्च कर रहा था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिली जो SSC GD के है ना। मैं सोच रहा हूँ अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बेटा अगर ठीक रहा तो किस नाम से फोल्डर था, SKL, ये बना है ये बेटा। आपके पूरे के पूरे क्या डले हैं, ये नोट्स में बेटा, ये देखो आपको क्वेश्चन पेपर डले हैं। आप GD की बात कर रहे हो ना, देखो आर्मी GD का 2018 का जो पेपर आया था बेटा, अरे आर्मी GD का जो 2018 का पेपर आया था वो कुछ इस तरीके से पेपर था, कुछ इस तरीके से पेपर था, है ना बेटा। हाँ जी, ये आर्मी जनरल GD का था बेटा। तो इसमें बेटा देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के अलग थे, GS के अलग थे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो जो आता है आपके में सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं, है ना। और ये अपन क्या होता है, जो आर्मी GD वाले होंगे विद आंसर की इसमें दिए गए हैं सारे क्वेश्चन पेपर में शायद तक कराऊंगा बेटा आपको, है ना। जय श्री भगवान की, जय श्री भगवान बेटा, जय श्री भगवान। ये सारे पेपर बेटा मैंने हर एक ब्रांच के मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। अगर केमिस्ट्री की कोई बात की जाए, बॉटनी की, जैसे सेल साइंस की आ जाओ तो हिंदी में आपके ये पूरे के पूरे मैंने आप क्या बना के रखे हैं बेटा, पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर आपको नोट्स बना के रखे हैं, ना। तो लास्ट में अपन किसी दिन क्या करेंगे, अगर तुम लोग रेडी हो तो मैं एक मैराथन क्लास लेने की सोच रहा हूँ जिसमें 4-5 की अपन मैराथन क्लास रखेंगे। जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन अपने बनते हैं बेटा, सारे के सारे बायोलॉजी वाले क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, सारे के सारे बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को अपन करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं विद डायग्राम के साथ, है ना। सर टेलीग्राम पर डाल देना, नहीं बेटा अभी टेलीग्राम पर तब तक नहीं डाल सकते जब तक अपन पढ़ा नहीं देते। टेलीग्राम पर पढ़ाने के बाद ये सारे के सारे देखो पेपर ही पेपर डले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के डले, बायोलॉजी के डले हैं, इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के फैक्ट भी डले हैं, ये सारे के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये पूरे के पूरे आए हुए क्वेश्चन है। और जब इनको सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा बेटा कि हमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितने क्वेश्चन लगभग 60% क्वेश्चन तो इसमें है, इस PDF में है, है ना बेटा। तो ये अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे वो बात की बात है बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस अभी तुमको जितना कराते जा रहा हूँ फटाफट से केवल उतना तो पढ़ते रहो बेटा, केवल आप उतना पढ़ते रहो। तो आज आपका जो सिस्टम रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, इंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2। आज आपका जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा
सर नर्सिंग का भी करवा दीजिए। हाँ जी बेटा, नर्सिंग के भी पेपर डाउनलोड हैं, क्लर्क के भी हैं, हवालदार के भी हैं, और जीडी के जनरल ड्यूटी वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, सारे पेपर हैं, डोंट वरी सर। टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। हाँ जी, हेलो हेलो सतीश, राम राम बेटा, राम राम सभी को। चलो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, अब अपन ये चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे, अपन क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इंडोक्राइन सिस्टम पार्ट टू यानी हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा बेटा। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, देन उसके बाद आंसर लगाना है, इतना आसान नहीं है। अच्छा आपके यहाँ लाइट गोल हो गई है बेटा, यहाँ तो स्क्वायर टाइप की है लाइट बेटा। हाँ जी बेटा पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा ADH या वैसोप्रेशन का संश्लेषण कहां पर होता है ना। ADH का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे बेटा कि ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो A का मतलब होता है बेटा एंटी, D का मतलब होता है ड्यूरेटिक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और उसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन और ADH एक ही चीज है, इनके नाम बस दो अलग अलग हो गए हैं। इन्होंने बोला है कि ADH या वैसोप्रेशन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, वेयर डज प्रोडक्शन ऑफ ADH ऑफ और वैसोप्रेशन, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, टेक प्लेस, तो किस पर, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, टेस्टिस और हाइपोथैलेमस। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। हाँ जी, जय हिंद बेटा सभी को, अंशु शुक्ला जी जय हिंद, जय देव जी की बेटा, बस जुड़ते चलो बेटा और अपन क्वेश्चन डालते हैं। तो देखो पीयूष ग्रंथि के तो हो नहीं सकता एक, और टेस्टिस हो नहीं सकता दो, मतलब दो ऑप्शन तो वैसे गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस होती है ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, यानी सेक्सुअल पार्ट भी आप बोल सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। और दूसरा पीयूष ग्रंथि कभी ये निकालती नहीं है, तो ADH निकालता कौन है, एक तो हाइपोथैलेमस बचा है, एक पीनियल बचा। तो बेटा जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है जिससे हमें नींद आती है, जिससे हमें क्या आती है बेटा, नींद आती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही चीज बच रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस, कौन सा बच रहा है, हाइपोथैलेमस बच रहा है। हाँ जी ठीक है, जिन्होंने ए दिया है उनका गलत है, जिन्होंने डी दिया है उनका आंसर सही है। समरजीत हो गया, मोनिका हो गया, माला जी हो गई है, और वंश सिंह सिसोदिया, हाँ जी क्या बात है, सक्षम, मंजुला, खुशी, पुष्पा, शुभवंशी, एग्जैक्ट बेटा कौन सा हो जाता है बेटा, डी हाइपोथैलेमस। देन नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, क्या लिखा है। कोरोना में हाथ धोकर ऐसा लगता है शादी वाली लकीर मिट गई है, चंबल स्टाइगर, तेरी कराता हूं मैं बेटा शादी, रुक है ना तेरी, अभी लकीर क्या, अभी तेरे को डंडे वंडे रस्सी सब आएंगे, गधा कहीं का, देखो शादी की पड़ी है अभी है ना, तो एक जीना नहीं है क्या, है ना। चलो देखो मैं बता रहा हूं, है ना सर, हम तो पिट्यूटरी पढ़े थे। अच्छा पता नहीं बेटा, ADH या वैसोप्रेशन के संदर्भ में कौन सत्य है, कौन सत्य है बेटा, इसके बारे में आपको क्या बेटा पढ़ना है, सत्य बताना है ना, इसके बारे में क्या। अरे गौरव बक्सर जी आ गए बेटा, हाँ जी क्या लिखा है, ADH या वैसोप्रेशन के संदर्भ में कौन सत्य है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग ADH और वैसोप्रेशन, ADH और वैसोप्रेशन इसके संदर्भ में आपको बेटा गलत नहीं सही ढूंढना है, सही क्या ढूंढना है बेटा, सही ढूंढना है। हाँ जी आशीष राजपूत, समरजीत, हाँ जी ठीक है, हेमू, अंशु, क्या बात है, वंश, हाँ जी बेटा लगाओ आंसर, इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, यह मूत्र के साथ जल के ह्रास को कम करता है, एग्जैक्ट बेटा। ADH जो होता है बेटा यूरिन के साथ, यूरिन के साथ वाटर को क्या मतलब रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस, बाहर जाने से रोकता है, एक चीज। दूसरा यह रक्त वाहिनी को संकुचित कर दाएं को बढ़ाता है ना। अब ये बताओ दूसरा ऑप्शन में दाएं सही है कि दाब होना चाहिए, तो बेटा दाब होता है ना, क्या होता है, दाब होता है, इधर दाब होना चाहिए, दाब को बढ़ाता है, ये भी एग्जैक्ट है। इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, तो बेटा जब दो सही हैं तो ए और बी का तो ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, तो सीधा ऑप्शन लगा देना क्या बेटा, इनमें से सही, फिर क्या लगा देना है बेटा आपको, इनमें से सही, क्या लगा देना है, इनमें से सही लगा देना है, ठीक है बेटा, ओके आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, निम्न में से कौन एडीएच के कभी में उत्पन्न होने वाली स्थिति है, कभी या कमी, कमी होना चाहिए था बेटा, कमी है ना। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एडीएच की कमी में उत्पन्न होने वाली स्थिति है, लैक ऑफ एडीएच कॉज, यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सी स्थिति बनती है। बेटा फटाफट से लाइक ठोको तुम लोग, पहले लाइक करो, पहले क्या करना है बेटा, लाइक करना है। हाँ जी, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एडीएच के कभी कमी में उत्पन्न होने वाली स्थिति है, यानी लैक ऑफ एडीएच, एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होता है बेटा, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस। अब देखो सुनो, हमेशा ध्यान रखना, अगर शुगर बढ़ जाए तो भी वो डायबिटीज होती है, और शुगर घट जाए तो भी वो डायबिटीज होती है। एक का नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, है ना, आईडीडीएम और एनआईडीडीएम होता है बेटा। तो ये तो बेटा सही है कि अगर एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगी बेटा, ये पानी को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, निकालता है, तो निर्जरी कलर हो जाएगी। अगर ये दोनों हो जाएगा तो ये वो भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इनमें से सभी। अच्छा बी कितने लोगों ने दिया भाई, बी आंसर क्यों लगा रहे हो आप लोग, बी किस बेस पर लगा रहे हो, हाँ जी डी होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। देखो पानी के कॉज को रोकता है, अगर ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में नेजरी कलर हो जाती है, मतलब पानी सूखने लगता है, हमारा शरीर सूखने लगता है, उसी को डिहाइड्रेशन बोला जाता है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आओ, बड़ो ध्यान से, अब मुझे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, आपको ही पढ़ना है और फिर आपको इसका आंसर लगाना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है बेटे, आंसर लगाना है। आपके सामने लिखा है, खालिस्तान ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, मेलेटोनिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, मेलेटोनिन हार्मोन को, तो जल्दी से बताना बेटा। हाँ राधा नागर जी, जय हिंद बेटा, जल्दी बोले इसका, मेलेटोनिन किसको बाहर निकालती है, एक बार जरा फटाफट बता दो। मेलेटोनिन क्या होता है बेटा, मेलेटोनिन से हमें नींद आती है, और नींद आएगी तो ये हार्मोन जरूर ब्रेन में होना चाहिए, और ब्रेन में अगर होना चाहिए तो डेफिनेटली ब्रेन में वो ग्रंथि भी होनी चाहिए। तो बता दो ब्रेन में यानी मस्तिष्क में कौन सी होगी, तो आपको पता है कि ओवरी तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये दो तो गलत हो गए बेटा। अब आपके सामने दो बचा, एक पैराथायराइड और एक पीनियल, तो बेटा जो पैराथायराइड होती है वो गले में होती है, तो गले में स्टिमुलेट होगी तो नींद कहां से आएगी, पैराथायराइड होगा नहीं, तो एक ही बच रहा है बेटा, कौन सा, पीनियल, कौन सा बच रहा है, पीनियल। क्या बात है, पीनियल ग्लैंड है सर, बिल्कुल है समरजीत भैया, हेमो, महेंद्र, पुष्पा, जयेंद्र, सतीश, क्या बात है, ठीक है बेटा बी। हाँ जी राधा नागर जी, बी फटाफट से, हाँ जी बी एग्जैक्ट, ठीक है ओके, चले नेक्स्ट आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो, क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा है, मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है बेटा, कार्य नहीं है ढूंढना है, मेलेटोनिन का कार्य नहीं है ढूंढना है, है ना, मेलेटोनिन का कौन सा कार्य नहीं है वो ढूंढना है। तो आपके सामने क्या लिखा है, मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है, नॉट अ फंक्शंस ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन। तो अपने को सबसे पहले एक एक करके इसके कार्य पहले ढूंढना शुरू करो, यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, ये तो सही है बेटा, क्योंकि नींद को कंट्रोलिंग करने का काम किसका होता है, मेलेटोनिन को, ज्यादा निकल गया तो ज्यादा नींद आई, कम निकल गया तो कम नींद आई। सालनी जय हिंद बेटे, हाँ जी राठौर साहब जय हिंद, है ना। दूसरा क्या है, निम्न जंतुओं की त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण करता है, देखो इधर जंतुओं की बात कर रहा, अच्छा जो मेलेटोनिन होता है एक मेलेनिन पिगमेंट भी होता है इसी से रिलेटेड, तो ये भी बेटा सही है। अगर दो सही है तो ए और बी तो हो
कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब आ जाओ तीसरे में, हमको क्या ढूंढना है बेटा, कार्य नहीं है, ये तो होता है। तीसरा आ जाओ, निम्नलिखित जंतुओं की त्वचा को रंगीन बनाता है। बेटा जब ये पिगमेंट होगा, मेलेनिन पिगमेंट होगा, तो पिगमेंट हमेशा कलर देने का काम करता है, हमेशा कलर देने का काम करता है। देखो मेलेनिन पिगमेंट है तो ये त्वचा को कलर भी देगा, मतलब ये तीनों तो कार्य हैं, तो एक ही बच रहा है, मनुष्य के मूत्र को हास को प्रेरित करना, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? डी वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा वाल को? हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या बात है, वाह। हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही है ना आप लोगों तक बेटे? ठीक है ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक आंसर पूजा पवार का एफ आ रहा है बेटा। एफ यहाँ कौन सा ऑप्शन है बेटे? सत्य उपाध्याय, पूजा गुर्जर। हाँ जी ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है बेटा, चलें आगे। ओके चलो फिर आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट से बता दो इसको फिर। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं पूजा, बाय मिस्टेक, समझ गए थे हम, मौज कर दी सर जी, अंशु शुक्ला। हाँ जी बेटा मौज कर दी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? बेटा अगर ये ना बता पाओ तो क्या मतलब है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जरा बताना बेटा कौन सी होती है। देखो अंशु शुक्ला जी का ए आया है, थायराइड लिखा है वो बालक। यस शर्मा का सी आया है, पूजा गुर्जर। तुम हंस क्यों रहे हो बेटे, आंसर बताओ। ठीक है, अरे वाह, सी लीवर है ना बेटा। देखो उसने ये नहीं पूछा कि अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसने सीधा पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, केवल ग्रंथि बस पूछा है। तो कौन सी होती है बेटा? लीवर होती है। डोंट इसमें, हाँ जी ठीक है ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फटाफट से इसका आंसर बता दो बेटा, इसका आंसर बता दो। क्या लिखा है? हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब बताना बेटा, अब बताना जरा। बेटा इसकी थोड़ी इंग्लिश हिंदी गलत हो गई है ना, ऊपरी की हिंदी क्या होती है बेटा? ऊपरी की हिंदी होती है अंडाशय, अंडाशय। चले बेटा फटाफट से बताएं फिर। डी 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 डी, थायराइड थायराइड, सी कोई लगा रहा, कोई बी लगा रहा है, आराधना पैंक्रियास। हाँ जी बेटा इसका क्या आंसर है? हिमांशी डी लगा रही है, लगाओ बेटा। और कौन लगा रहा है? अंशु गुर्जर जी, अंशिका आप मार खाना है बेटा, तुमको भयंकर मार खाना है बेटा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे था तो लीवर थी, और दूसरी सबसे बड़ी पूछा जाए तो पैंक्रियाज होती है बेटा। उसने ये थोड़ी पूछी है कि अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि, अगर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि अगर पूछता तो फिर आपको थायराइड पैराथायराइड में जाना था। अब इधर वो पूछ रहा है केवल दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी बेटा आपका लीवर होती है जो लेफ्ट साइड होती है, और पत्तीनुमा संरचना आपकी कौन सी होती है? पैंक्रियाज, जो दूसरी सबसे बड़ी होती है, दूसरी सबसे बड़ी होती है। कृष्णपाल राजपूत जी सर सी, ओके पैंक्रियाज। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, क्या लिखा है आपके सामने? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अब बताओ। अब इसमें दे दिया उसने इंडोक्राइन ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी होती है? हाँ अब बताओ बेटा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अब ग्रंथि की बात नहीं कर रहा है, अब वो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी या फिर आवर बॉडी? पैंक्रियाज हो नहीं सकता क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है नहीं बेटा। अब आगे पिट्यूटरी थाइमस, अच्छा थाइमस था, मैं दो जगह इसको थायराइड लिखना था यार, क्या थायराइड थायराइड, अब बताओ ये थायमस नहीं है, थायरॉइड है, बताओ बेटा फटाफट फटाफट से जल्दी।
हाँ जी, सी 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 थायराइड, एग्जैक्ट बेटा। अगर एंडोक्राइन की बात करें तो कौन सी होती है? थायराइड होती है। और केवल ग्रंथि की अगर बात करता है ना बेटा, केवल ग्रंथि की अगर बात करता है तो केवल ग्रंथि होती है आपकी लीवर, और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करता है तो कौन सी होती है बेटा? थायराइड होती है। क्या बात है बेटे, फटाफट से शेयर करो इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। हमारे ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बता दो मेरे भाई। जय हिंद बेटा धर्मेंद्र, जल्दी बोले इसका। सर पैंक्रियास क्यों नहीं होगा बेटा? समर्जित इसलिए नहीं होगा पैंक्रियास, क्योंकि जो पैंक्रियास होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, बहिस्त्रावी ग्रंथि है, या उसको अपन मिक्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, है ना, मिक्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। फटाफट से बताना बेटा इसका आंसर। सी 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 पिट्यूटरी पिट्यूटरी। और कोई है? किसी का तो डी आ रहा है। ऋतिक यादव का डी लार ग्रंथी आ रहा है। मिलो बेटा, लार ग्रंथी बताते हैं हम तुमको। आराधना पिट्यूटरी, जय हिंद मोनिका बेटा। सी सी, क्या बात है, दिवाली का डी आ रहा है। मिलो बेटा, तुम भी मिलो क्लास में। क्या बेटा तुमको ये नहीं पता कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? देखो अब तुम्हारे कंफ्यूजन में दूर करूं, है ना, अगर सबसे बड़ी केवल पूछे तो आपको लगाना है लीवर। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी सबसे बड़ी पूछे, एंडोक्राइन सबसे बड़ी, तब आपको लगाना है थायराइड। और सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अब तो क्लियर है ना? हाँ जी, सी होगा एग्जैक्ट बेटा, सही बोले आप बेट, 0.5 बहुत ही छोटी होती है। चले बोले भाई साहब, ये तो तुमसे बनना ही चाहिए, ये तो तुमसे ही बनना ही चाहिए, यानी हाउ कंडीशन में, यानी हाउ कंडीशन में इसका आंसर आपसे बनना चाहिए। क्या लिखा है? लेंगरहेंस की द्वीपिका के संदर्भ में कौन असत्य है? असत्य ढूंढना है। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस, आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस। एक दिन डॉक्टर बनके शरीर को चेक करके देखेंगे। हाँ ज्योति बिल्कुल बेटा, मैं तो बोलता हूँ पोस्टमार्टम करके ही देख लो किसी का, अरे सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है बेटा, क्या लिखा है? लेंगरहेंस की द्वीपिका के संदर्भ में कौन असत्य है? विच इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस। अब इसके बारे में बेटा आपको गलत ढूंढना है। तो देखो लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं किससे संबंधित होती हैं बेटा? लेंगरहेंस की, राधा नागर जी बेटा कल ही करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, है ना, देखना जिसका करो बेटा वो आंखें ना खोले, अगर आंखें खोलेगा तो वो सीख जाएगा, है ना, ऐसे करना आंखें पहले बंद करवा देना, है ना। तो लेंगरहेंस किससे संबंधित होता है बेटा? पेंक्रियास, क्योंकि जो पेंक्रियास होते हैं, पेंक्रियास चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय कितने प्रकार की कोशिकाओं से बेटा? चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बता दो कि नीचे से ढूंढो, यह ग्लूकागन हार्मोन को स्त्रावित करता है? बिल्कुल बेटा, एक होता है अल्फा सेल जो ग्लूकागन हार्मोन निकालता है, एक होता है बीटा सेल जो बेटा ऑलरेडी क्या निकालता है, इंसुलिन हार्मोन, एक होता है गामा सेल, है ना, क्या निकालता है बेटा, गामा सेल, गामा सेल अपने अंदर से सोमेस्टोस्टेटिन निकालता है, और एक होती है बेटा एप सेल, कौन होती है, एप सेल, जो एंजाइम्स को निकालती है। तो बेटा ग्लूकागन हार्मोन तो सही है, अपन को गलत ढूंढना है, ये तो क्या है बेटा, सही है, ये तो सही है, यह इंसुलिन हार्मोन को भी स्त्रावित करता है। तो देखो बेटा जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रिया चार प्रकार की कोशिकाएं थी, तो ये अल्फा निकाल रही थी ग्लूकागन, बीटा इंसुलिन, तो ये भी बेटा सही है। तीसरा जाओ, यह अग्राशय यानी अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन पार्ट है। तो बेटा हमेशा कोई भी कोशिकाओं की बात करे, किसी की भी कोशिकाओं की बात करे, वो अंतःस्रावी ही होती है, मतलब ये भी सही है। यह अग्राशय की बहिस्त्रावी, बेटा बहिस्त्रावी नहीं है, कोशिकाएं बाहर नहीं लटकी हुई होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। बी भी मत लगाओ तुम लोग, जिसको देखो बी, जिसको देखो बी वही बी लगा रहा है बेटा। अंतःस्रावी वो तो सही है ना बेटा, जो कोशिकाएं होती हैं वो अंदर ही होती हैं, अंतःस्रावी होती हैं, तो एक चीज बच रही ना, बहिस्त्रावी नहीं है बेटा पार्ट। और अपने को क्या ढूंढना था बेटा? असत्य ढूंढना था,
अगर सत्य ढूंढना होता तो सत्य तो ये तीनों हैं, ए बी सी और डी। आगे आ जाओ, चलो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए बालको, अगर इसका आंसर गलत हुआ तो बाहर भगा देंगे। ये आपके सामने लिया है भारतीय नेति, बेटा बताओ इसका आंसर। निम्न में से कौन सी कोशिका लेंगरहैंस की द्वीपिका में नहीं मिलती है, है ना। अभी चार प्रकार की कोशिकाएं बताई थी ना, अभी चारों के नाम आपको रटे होंगे, तो एक इसमें से ऐसी कोशिका है जो लेंगरहैंस में नहीं होती है, यानी आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस में इंक्लूड नहीं होती है। कौन सी है बेटा, पूजा पवार डी, आराधना डी, राधा नागर डी, पूजा हाँ जी डी, और जल्दी बोले बेटा फटाफट से, पुष्पा डी, महेंद्रा डी, राधिका बर्फा डी, ऋतिक का भी डी, समरजीत का भी डी, ठीक है, आशीष राजपूत का भी डी, भारतीय नेति का सी आया है बेटा। अब मार खाना है बेटा तुमको, वो जो मैंने गामा बोला था ना उसको डेल्टा बोलना था, क्या बोलना था, डेल्टा। तो देखो अल्फा डेल्टा और बीटा ये तीनों तो होती हैं, एक ही वर्ड बच रही बेटा, एसिनर कोशिका। कौन सी, एसिनर, डी नहीं होती है, क्या नहीं होती है बेटा, डी नहीं होती है बेटा। हाँ जी शालिनी गोखले सही है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 को क्या लिखा है, फटाफट से लाइक कर दो जो पहली बार हो। क्या लिखा है, अग्राशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संदर्भ में कौन गलत मिलता है। अग्राशय मतलब वो अग्नाशय की बात कर रहा है, पैंक्रियाज, है ना, विच इज इनकरेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के संदर्भ में जितने भी कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो जो हार्मोन रिलीज करती हैं उनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जो गलत है, कौन सी ऐसी जोड़ी है बेटा वो गलत है, है ना। तो देखो हाँ जी ठीक है, कौन सी गलत है बेटा, है ना, गलत की बात कर रहा है कि कौन सी गलत है। क्या तुम लोग भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है बेटा, डी सही है, सही है, मत घबराओ। देखो अल्फा अपने अंदर से ग्लूकेगोन निकालता है, है ना, बीटा क्या निकालता है बेटा, इंसुलिन निकालता है, डेल्टा सोमेस्टोटिन निकालता है, तो एक ही बच रहा है, एसिनर तो होती ही नहीं है तो ये क्या निकालेगी, तो डी तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, डी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अच्छा देखो इनके काम क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, जो ग्लूकेगोन हार्मोन होता है यह अगर किसी के अंदर शुगर कम हो जाए, हाँ हाँ ठीक है बेटा, अगर ग्लूकेगोन हार्मोन की बात की जाए तो बोलना किसी के अंदर अगर शुगर कम होगी तो शुगर को बढ़ाने का काम कौन करता है, बेटा ग्लूकेगोन, है ना, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम। सीधा ऐसे याद रखो कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, पहले इंसुलिन का सुन लो, तो इंसुलिन आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और शुगर कंट्रोल हो जाती है, और ये ग्लूकेगोन क्या करता है, उल्टा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, मतलब शुगर को बढ़ा देता है। ये एक दूसरे के मामा फुआ के लड़के होते हैं ना, है ना, चले बोले इसका आंसर। ठीक है बेटा, सर अगर कोई पूछेगा तो आपका नाम लूंगी, हाँ ले लेना बेटे। क्या लिखा है, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, अभी बोला है बेना बेटा, अभी बोला है, विच हार्मोन्स कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन अवर बॉडी, तो कौन करता है बेटा, अभी तो मैंने बोला है, इसका आंसर फटाफट बता देना। हाँ जी महेंद्र का ए, पूजा का बी आ गया, देखो ग्लूकेगोन हार्मोन का वही, पूजा अभी भी उल्टा लगा रही है, बालक मार खाना है तुमको। अभी मैंने बोला है बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की बात कर रहा है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में नहीं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। देखो ये मान लिया जाए कि कोई फलाने हैं, क्या है बेटा, कोई फलाने है, और ये क्या होगी बेटा, फलानी, ये क्या हो गई, फलानी। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर भाई साहब को शुगर हो गई है, भाई साहब को क्या हो गई है, शुगर, शुगर मतलब इनके खून में क्या पड़ गया होगा बेटा, ग्लूकोज, तो इसकी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी ना, तो कंट्रोल करने के लिए श्रीमती जी ने क्या दिया, इनको इंसुलिन दिया, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया, तो ये ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगी बेटा, ग्लाइकोजन में, किसमें चेंज हो जाएगी, ग्लाइकोजन में, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि वो किसमें चेंज हो गई है, ग्लाइकोजन में, तो शुगर कंट्रोल हो गई, तो श्रीमती जी ने एक अच्छा काम किया जिंदगी भर,
कि उनको क्या कर दिया है कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया और वो फटाफट से शुगर कंट्रोल कर लिए। उन्होंने क्या कर ली बेटा, शुगर कंट्रोल कर ली। तो इंसुलिन इसका आंसर था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, शुगर फ्री दे दिया। हाँ जी बेटा शुगर फ्री दे देना, है ना। देखो पत्नियों के ऊपर एक जोक बना था शायद, अभी एक जोक था। पत्नी बोलती है अपने पति से, कि मेरी एक बुराई करो और एक अच्छाई बताओ। अब पति बड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो अच्छाई बता नहीं सकता, अच्छाई मतलब होती नहीं है, बुराई वो बता नहीं सकता। तब उसने क्या किया, उन्होंने बोला हे प्रिय तुम मेरी जिंदगी हो, हे प्रिय तुम मेरी जिंदगी हो। और फिर लास्ट में बोलता है थू ऐसी जिंदगी पर, है ना। तो एक बुराई होगी और एक अच्छाई होगी। अच्छा ये हो गई कि हे प्रिय तुम मेरी जिंदगी हो, और बुराई ये होगी कि तू ऐसी जिंदगी पर। इतना सुनकर हंसी आ गई। ये रे बेटा हंसो मत, हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, अब बता दो, शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, फटाफट से बोले, शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, जल्दी बोले बेटा, शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, बोले बेटा शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन। तुम लोग चले, बोले बेटा फटाफट से, शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन ही तो है, इसके अलावा भी और कोई करता है। तो बेटा शुगर को कंट्रोल करने का काम, चाहे शुगर घटे तो बढ़ाना तो भी तो कंट्रोलिंग हो रहा है, चाहे बढ़े तो घटाना तो भी कंट्रोलिंग हो रहा है। तो मेरे बच्चे, मेरे बालकों, मेरे लाल, मेरे हले, मेरे पीले, मेरे कुंवर, मेरे लाल, एक चीज याद रखना तुम लोग, उसने बोला शुगर को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब अगर श्रीमती जी को शुगर हो गई, किसको हो गई बेटा, श्रीमती जी को शुगर हो गई, अगर मान लीजिए शुगर ज्यादा हो गई तो कम करनी पड़ेगी, और अगर कम है तो बेटा ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे ना तभी तो कंट्रोलिंग माना जाएगा ना, तभी तो कंट्रोलिंग माना जाएगा। तो मुझे बताओ इंसुलिन क्या करता है बेटा, कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, ज्यादा। तो ऑप्शन ए और डी का हो जाएगा। तो ए और डी किस में है बेटा, सी में। मतलब कम करना हो या बढ़ाना हो, दोनों ही क्या है बेटा, है ना, फलानी जी को। सही बात है बेटा, फलानी जी को, है ना, फलानी जी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे आओ, क्या लिखा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्या लिखा है, मनुष्यों में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है ना। ड्यूरिंग फास्टिंग नॉर्मल ब्लड शुगर इज लेवल इन ह्यूमन पर 100 ml ब्लड, है ना। देखो एक ऑप्शन गलत हो गया इधर बेटा, 120 की जगह इधर 100 mg ही करना है। क्या करना है बेटा, 100 mg ही करना है। अब बोले बेटा फटाफट से, सर श्रीमती मोटे क्यों होती हैं, ये तुम पूछ रहे हो बेटा हेमू, है ना। 2 साल बाद जब तुम जहां मिलोगे ना, तो एक बोरी रखे मिलोगे सर पे, और पीछे तुम्हारी श्रीमती जी रहेंगे, तो पूछ लेना। सर आपका व्हाट्सएप नंबर एक बार और बता देना, समरजीत। हाँ बेटा व्हाट्सएप नंबर है 8120181892, 8120181892। मैं क्यों कंफ्यूज करूंगा शालिनी बेटे, मैं तो सही सही बता रहा हूं। हाँ राधिका, वो हेमू अभी नहीं जानता ना, वो अभी फ्यूचर से परिचित नहीं है, अभी वो फ्यूचर से परिचित होगा, है ना। ठीक है बेटा, अब बताओ इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो बेटा फटाफट। जय हिंद मेरे भाई खूबचंद्र, जय हिंद। सर मेन होते हैं बेटा मेरे, इतने तुमको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, मनुष्य में उपवास के दौरान सामान्य शुगर कितनी हो जाती है, मतलब अगर कोई फास्ट करता है ना, जैसे अभी नवरात्रि चल रही थी ना बेटा, नवरात्रि, अगर नवरात्रि में कोई फास्ट रहता है ना, फास्ट रहता है यानी कि व्रत रहता है, तो उनकी नॉर्मल शुगर कितनी हो जाती है बेटा, नॉर्मल शुगर कितनी हो जाती है, जल्दी बोटे बेटा,
जल्दी इसका आंसर दें बेटा, इसका आंसर बी दिया है 50 से 70 mg महेंद्र ने, राजेंद्र कुमार सिंगरौल जी ने। पूजा ने दिया है सी 80 से लेकर 100 mg। फटाफट से बोलें बेटा आप लोग आंसर दें इसका, उसके बाद सब चलता रहेगा। इसका आंसर दें बेटा फटाफट से। क्या बात है, हाँ जी बेटा सी है ना। देखो अगर केवल एक अच्छे आदमी की, जैसे मैं व्रत नहीं रहता, मैं व्रत नहीं हूं है ना, मैं व्रत नहीं हूं, अगर मेरी नॉर्मल शुगर पूछी जाए तो 80 से लेकर 120 एमजी होती है, लेकिन बेटा अगर मैं फास्ट रख लूं तो मेरी शुगर घट के कितनी आ जाएगी बेटा, 100 तक आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, है ना जी। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है 2 करोड़ के लिए। फटाफट बोलें, फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करें, इसका आंसर फटाफट से देने की कोशिश करें। लिखा है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। सोचो अगर आपका पेंक्रियाज बीटा सेल ना बनाए और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन ना बनाए तो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन बने ही मत आपके बॉडी में तो होगा क्या, तो क्या होगा बेटा, तो इंसुलिन देखो ये हो गए भाई साहब, क्या हो गए भाई साहब, ये भाई साहब के ये नाक कान है ना, ठीक है ये भाई साहब हो गए है ना। मान लीजिए ये भाई साहब के अंदर इंसुलिन हार्मोन की क्या हो गई है बेटा, कमी। इंसुलिन हार्मोन की क्या होगी, कमी। अब इंसुलिन हार्मोन क्या काम कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा था है ना। अगर इनके अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो ही नहीं पाएगा, तो शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कहां पर, ब्लड में यानी खून में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी बेटा, ग्लूकोज की, और उसे क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो ये भी सही है, अगर ज्यादा बेटा ज्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, ध्यान से सुनना, अगर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया तो इन भाई साहब के यूरिन के साथ, इन भाई साहब के यूरिन के साथ बेटा बाहर क्या निकलने लगेगा, ग्लूकोज निकलने लगेगा। मतलब ये जो भाई साहब हैं जब भी ये पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ बेटा ग्लूकोज ज्यादा बाहर आ जाएगा, तो उस बीमारी को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ये जब ए और डी दोनों हो सकता है तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सभी, क्या हो जाएगा, ए सभी। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है, सर आप सभी से अपील है कि घर पर ही रहें। हाँ ठीक है बिल्कुल खूबचंद्र, आपने सही कहा, कोरोना का दौर है, घर पर रहें, स्वच्छ रहें है ना, रोड पर निकलने की कोई जरूरत नहीं, सरकार खुद तुम्हें रोड पे ला देगी कुछ दिनों बाद, है ना बेटा। हाँ बोले फटाफट से, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है, जल्दी बोले बेटा। ये बंस क्यों हंसा मैंने क्या ऐसा बोल दिया कि हंस रहे हो, मैं तो सही बोला हूं ना, घर पर बैठे रहो, रोड पर आने की कोई जरूरत नहीं, कुछ समय बाद सरकार तुम्हें खुद रोड पे ला देगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। बोले इसको, ब्लड शुगर इज अवर बॉडी कॉजेस, अगर हमारे, अच्छा लो ब्लड शुगर है, लो ब्लड शुगर इन अवर बॉडी कॉज, अगर शर्करा की कमी हो जाए यानी शुगर की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होता है ना। ठीक है हाँ जी हाँ जी, बी किसने दिया, सही है बेटा। देखो घेंगा ग्वाइटर हो नहीं सकता, ग्वाइटर होता है किसके कारण, आयोडीन के कारण है ना, और गिगानेज हो नहीं सकता बेटा, बोनापन हो नहीं सकता, तो ये बच रहा है हाइपो। देखो हमेशा एक शब्द याद रखना, अगर किसी शब्द में हाइपो जुड़ा हो ना उसका मतलब होता है कमी, और अगर इधर जुड़ा होता हाइपर तो हाइपर का मतलब होता है बेटा अधिक, तो हाइपर मतलब होता है बेटा अधिक और हाइपो मतलब होता है कमी, तो यहाँ कम होने से पूछा था ना, तो हाइपो वाला यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा था बेटा, बी था है ना। ठीक है देखो बेटा, एक तो मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, एक तो मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, अगर धोखे से मैं नेता बन गया, धोखे से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पार्षद ही बन गया मान लो है ना, तो फिर मैं बता दूंगा ना कि एक साल में बोलेरो कैसे खरीदी जाती है ना, एक साल में बोलेरो ट्रैक्टर और जमीन और अच्छा मकान बनाने के लिए ये सब कैसे किया जाता है, हमसे कांटेक्ट करें। तुम्हारा घर रोड पर ही है तो मैं क्या कर दूं बेटा। ठीक है, जंतुओं में भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है बेटा, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इन विच फॉर्म फूड कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल, एनिमल में कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का स्टोर किस फॉर्म में होता है,
किस फॉर्म में होता है? जल्दी से बता दो बेटा। माना कि मैं पीएम हूं। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे घर वाले ही मुझे वोट ना देंगे। जमानत जब्त हो जाएगी वो अलग। अरे कहीं का एक केस देखा था ना न्यूज में, उसने बेटा सरपंच जी का चुनाव नहीं, पता नहीं किसी चीज का उसने चुनाव लड़ा था, उसके घर में 5 सदस्य थे, उसको 3 वोट मिले। अब वो बेचारा मीडिया के सामने रो रहा था कि मेरी वाइफ ही ने मुझे वोट नहीं दिया। राधे 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 भैया जी। बताओ जल्दी किस फॉर्म में होता है बेटा, इसका आंसर दो फटाफट से। ग्लाइकोजन 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 ग्लाइकोजन। कीरत सिंह लोधी, राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई साहब। हाँ जी बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? ग्लाइकोजन के। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखना कि जब भी आदमियों में बात करें, आदमियों में या जंतुओं में, हम लोग देखो जानवर हैं, हम लोग जंतु हैं, जानवर हैं, हम पहले से भी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अगर घर में तुम लोगों को दीदी या मम्मी कुत्ता बोल दिया करें ना तुम्हें, तो बिल्कुल तुम लोग टेंशन मत लिया करो, तुम लोग टेंशन मत लिया करो, है ना। देखो हम लोग जंतु ही है बेटा, कोई दिक्कत बात ला लिया। अब आगे हो कि इसमें अपने अंदर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, इसे बोला जाता है रिजर्व फूड। इसे क्या बोला जाता है बेटा? रिजर्व फूड। अरे बेटा ये सब चीजें छोड़ो, आंसर दो फटाफट से। प्रदीप जी आंसर दो फटाफट से, इसका इसका आंसर दें आप, इसका बेटा आंसर दें। इसका आंसर दे बेटा, है ना। क्या लिखा है? जंतुओं में भोजन तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में था, ठीक है बेटा। अच्छा ये जो देखो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, तो एक चीज याद रखना कि बेटा जब हमको खाने को भोजन नहीं मिलता है, जैसे मान ली जाए कि किसी ने हमको एक कमरे में बंद कर दिया 8 से 10 दिन या 15 दिन के लिए, तो जो हमारा रिजर्व फूड होता है, स्टोर फूड होता है, उसका उपयोग करके हम जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। उसका उपयोग करके हम क्या रह लेते हैं बेटा? जिंदा रह लेते हैं। अब बताओ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, ये बताना जरा बेटा। अब भी मैं कई बार चिल्ला चिल्ला परेशान हो चुका हूँ, इसका आंसर बोले बेटा, इसका आंसर बोले बेटा। इलियम में स्टोर? नहीं बेटा, इलियम में नहीं स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। इलियम में बेटा बनता है, स्टोर होता है कहाँ पर? लीवर में। फटाफट से इसका आंसर बोलने की कोशिश करें बेटा, इसका फटाफट से आंसर बोलने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी डी डी। अबे तुम लोग पता नहीं कैसे आंसर दे रहे हो, एक इंसुलिन दे रहा है। बताओ मेरे बेटे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम पूछ रहा है वो। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बोल रहा होता तो बेटा इंसुलिन आता, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना हो। अब यहाँ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में होता है तो बेटा कौन करता है? ग्लूकेगॉन। कौन करता है बेटा? ग्लूकेगॉन। ट्रिप्सिन एंजाइम आपके बेटा पचाने का काम करता है, पेप्सिन एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। अब इसमें क्या बड़ी बात थी बेटा? राहुल विश्वकर्मा जी गलत जवाब मत दो बेटे। चले बेटा फटाफट से, ये लिखा है अग्नाशय द्वारा स्त्रावित सोमेस्टेटिन हार्मोन का कार्य है। आप बता दो फटाफट से सोमेस्टेटिन का कार्य क्या होता है? हाँ जी इसका कार्य बता दो, इसका क्या बताना है बेटा? कार्य बताना है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को। अग्राशय यानी अग्नाशय द्वारा स्त्रावित सोमेस्टेस्टेटिन हार्मोन का कार्य है। फंक्शंस ऑफ सोमेस्टेस्टेटिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के द्वारा जो सोमेस्टेस्टेटिन हार्मोन निकलता है उसका क्या काम होता है? यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। बेटा बढ़ाने का काम तो होता है ग्लूकेगॉन का, तो ये तो गलत है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, तो शुगर को घटाने का काम इंसुलिन का होता है। यह इंसुलिन और ग्लूकोगॉन के स्त्राव को बंद करता है। एग्जैक्ट बेटा यही है भैया, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? भाई साहब का होता है। किसका होता है? भाई साहब का होता है, ठीक है ना बेटा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ अग्राशय यानी अग्नाशय द्वारा स्त्रावित जो सोमेस्टेस्टेटिन हार्मोन होता है, जो डेल्टा सेल द्वारा निकाला जाता है, डेल्टा सेल द्वारा निकाला जाता है, उसका काम होता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, ठीक है। ओके आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है?
तितली के आकार की है ना बेटा। तितली का आकार का मतलब होता है बेटा इसकी जो ग्रंथि होती है वो ऐसे कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे इस तरीके की कौन सी ग्रंथि होती है बेटा, और एक होती है, आपके हिंट के लिए मैंने बता दिया एक होती है ना। पैंक्रियाज होती नहीं है, क्योंकि जो पैंक्रियाज होती है बेटा ये पत्ती जैसी संरचना होती है, लीफ, लाइक अ लीफ, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। एड्रिनल बेटा किसके, बादाम के बीज जैसी होती है, सोयाबीन के बीज जैसी होती है। एड्रिनल कहाँ होती है, किडनियों के ऊपर है ना। ओबरी देखो फीमेल की होगी तो फीमेल की हो नहीं सकती, एक ही बच रही है थायराइड। देखो थायराइड ग्रंथि कितनी होती है बेटा, एक होती है और गले में उपस्थित होती है, कौन सी, गले में उपस्थित होती है, कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि के बारे में अपन को कुछ चीजें करना है याद, थायराइड ग्रंथि के बारे में अपने को कुछ चीजें करना है याद। देखो याद क्या करना है ना, थायराइड, थायराइड के बारे में अगर आपसे पूछे कुछ चीजें, थायराइड के बारे में कि थायराइड के बारे में कितनी चीजें याद रखना है, तो बेटे थायराइड के बारे में अपन को 4-5 चीजें याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, कि थायराइड ग्रंथि तितली के आकार जैसी हो, संख्या में होती है एक, और कहां पर होती है बेटा, गले में। अब इसी के पीछे की तरफ, यहाँ गले में थायराइड होती है, इसी के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं जो 4 होती हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो थायराइड होती है एक और पैराथायराइड होती है बेटा 4। अच्छा थायराइड ग्रंथि का उपयोग क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को निकालना। किसको निकालना बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन को निकालना, ठीक है बेटा। हाँ जी आगे आ जाओ, क्या लिखा है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित है, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, कहां पर होती है, कहां पर होती है, फटाफट से बताना बेटा इसका आंसर। थायराइड ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है, मस्तिष्क में, गले में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, चारों में से फटाफट से एक आंसर बताओ मुझे, कहां पर होती है, कहां पर होती है, क्या होगा भाई आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है, थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है, बी 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 बी। अच्छा कमेंट कर रहे हो, मेरे को नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई, हाँ जी दिख रहे हैं बेटा, बी बी नेक, गर्दन, हाँ जी ठीक है बेटा। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है बेटा, गर्दन में होती है, अभी तो बताया ना मैंने। हाँ आगे आ जाओ 23 में, क्या लिखा है 23 का, पढ़ो 23 का, पढ़ो बेटा क्या लिखा है 23, क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करो। लिखा है अवयव ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं जिसे खालिस्तान कहा जाता है। बोथ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड, है ना, क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा, अवयव ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं जिसे कहते हैं, तो दोनों संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा। सर जी मैंने इतना कमेंट्स किया हूँ, मैसेज आ जाता है कि टू मच मैसेज, अच्छा बेटा देख नहीं पाया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका बोला जाता है बेटा इस्थमस, क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी अवयव ग्रंथि होती है यानी कि थायराइड ग्रंथि के जो दोनों लोब्स होते हैं जिस भी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं उसे इस्थमस कहा जाता है। चले बेटा इसका बता दो आंसर, अगर बता दोगे ना मान जाएंगे तुम लोगों को आंसर, अगर इसका आंसर बता दिया तो मान जाएंगे तुम लोगों को। हाँ जी भाई साहब, निम्न में से कौन अवयव ग्रंथि का हार्मोन है, फॉलोइंग इज स्लेस आर द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है, जल्दी बोले बेटा थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है। अच्छा ये कैसे आंसर बना दिया यार ये बालक, देखो इसके ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, ए बी सी, एक में लिखो T1, एक में लिखो T3 और एक में लिखो T4। अब बताओ अब समझ में आ जाएगा,
अब समझ में आ जाएगा। बोले बेटा इसका जल्दी बोले बेटा इसका आंसर। सी 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 मतलब ए और सी दोनों, ए और सी, टी वन और टी फोर, ये कौन सा मिला है ज्योति जाट का सही बेटा। बी और सी दोनों, कौन सा बी और सी, टी फोर और टी थ्री, टी थ्री और टी फोर, ये दोनों किसके हार्मोन है बेटा, थायराइड ग्रंथि के, कौन से थायराइड ग्रंथि के। हाँ बिल्कुल बेटा, थायरोक्सिन टी थ्री है ना, थायरोक्सिन टी फोर, सही है अजितेश वर्मा जी, टी थ्री और टी फोर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा टी थ्री और टी फोर, किसमें है, बी और सी में, तो बी और सी कहाँ है, बी और सी दोनों में, बोथ बी एंड सी। हाँ चले बोले बेटा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें लिखा है आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करता है, सीक्रेट आयोडाइज थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन बेटा कौन सा हार्मोन, कौन सी ग्रंथि निकालती है, जरा बताना बेटा, जरा बताना इसका आंसर, इसका आंसर बोलना। अभी बोला हूं मैं, बिल्कुल एक मिनट ना हुआ होगा, अभी इसका आंसर दिया हूं मैंने आप लोगों को। थायराइड 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 ही क्या होता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। अच्छा थायराइड की जांच क्यों कराते हैं बेटा, कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि थायराइड की जांच कराओ, थायराइड की जांच कराओ, थायराइड की जांच क्यों कराई जाती है ये बताओ। हिमांशी सुनय रेड्डी, अंशु माला, राधिका, आराधना, पुष्पा, ऋतिक, महेंद्र, अंशु, ज्योति जाट, सतीश, सक्षम, अंशु, आशीष। हाँ जी बेटा सबका सही है, अंशी का, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्यों करवाई जाती है थायराइड की। देखो जब भी किसी का अचानक से वेट घटने लगे या अचानक से वेट बढ़ने लगे, इस चीज का ध्यान रखना कि किसी का यदि अचानक से वेट घटने लगे या अचानक से वेट बढ़ने लगे तो किसकी जांच करवाई जाती है, थायराइड की जांच करवाई जाती है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन किसमें होता है बेटा, थायराइड में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, थायराइड में होता है। फटाफट से बताना 26 का आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन को खालिस्थान भी कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, अभी लिखा था किसी ने, वर्मा जी ने, बेटा दोनों कंडीशन बन सकती है राधिका, आदमी का वेट ज्यादा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। क्या है इसका आंसर, थायरोक्सिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है बेटा, तो आपको बता देना है टी फोर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बेटा, टी फोर के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा जब भी आपसे बात करें टी फोर टी फोर। पुष्पा, सूर्यवंशी, ऋतिक, पूजा, हाँ जी ठीक है, राधिका, ठीक है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा, टी फोर का ही दूसरा नाम होता है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ओके। इसमें कोई समझने की चीज ही नहीं थी। आ जाओ 27, क्या लिखा है 27 फटाफट से। हाँ जी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, बताओ जल्दी थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं। सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स, हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल मत लिख देना, थायरोक्सिन और कैल्सिट्रोनिन, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। अच्छा इंसुलिन और ग्लूकेगोन तो पेंक्रियाज निकाल रही थी बेटा, तो ये दो तो गलत हो गए, थायरोक्सिन और कैल्सिट्रोनिन ये ठीक है। क्या बात है, बी एग्जैक्ट सभी का सही है। आ जाओ भाई साहब 28 में, 28 समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है, देखो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकाला जाता है, उसका एक कौन सा काम नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन का कौन सा काम नहीं है, है ना। ऑप्शन पहले एक एक दो दो करके पढ़ो, फोर्थ नंबर डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो डी अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो डी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या है बेटा, इनमें से कोई नहीं, आपका जो डी ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। अब बताओ ए से लेकर पढ़ो ऑप्शन, थायरोक्सिन हार्मोन का काम नहीं है, चलो बोलो चार ऑप्शन है। यह गर्म खून वाले प्राणियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है बेटा, ये
टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। दूसरा है, यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो यह आरबीसी के निर्माण में भी क्या करता है बेटा, सहायक होता है, यह भी सही है। ठीक है, तीसरा जो, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो बेटा ये भी सही है, मतलब ये तीनों काम किसके हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन के, चाहे आरबीसी को बनाने का काम हो, चाहे बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय को, यानी कि मेटाबॉलिज्म में कोई बात करे, और चाहे वो क्या बात करे कि गर्म खून के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करे। आदित्य गुर्जर सर, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हो आप, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन सिखाते हो आप। प्रिय सुरेंद्र सर आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, है ना। तो कौन सा हो जाता है बेटा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे काम है बेटा, ये सारे काम है। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में, पढ़ो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, घुमाया है इसमें, इसने क्वेश्चन को क्या किया बेटा, घुमाया है हल्का सा, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर देता हूं। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे कहा जाता है, ऐसे समझो, अगर हमारे खाने में जो भी हम खाना ले रहे हैं बेटा, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन या जो थायराइड ग्रंथि हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, गला बढ़ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उस गले बढ़ने को क्या बोला जाता है, उस गले को बढ़ने को क्या बोला जाता है। देखो डायबिटीज बोल नहीं सकते, एक्रोमेगैली में पूरा शरीर बढ़ता है, ड्वार्फनेस मतलब बौनापन होता है, दिल से लिखा है सर, बिल्कुल आलम, आपको दिल से तहे दिल से शुक्रिया, है ना, दिल से शुक्रिया मेरे भाई, है ना। तो एक ही बच रहा है बेटा, ग्वाइटर, क्या बच रहा है बेटा, ग्वाइटर, है ना। आ जाओ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, फटाफट से इसका आंसर बता दो, उसके बाद फिर आज शायरी होना है, फिर उसके बाद शायरी होना है। क्या लिखा है बेटा, हाँ क्या लिखा है, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण नामक रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉज खालिस्तान डिसीज। यदि छोटे बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो बता दें बेटा, पहला है क्रिटिनिज्म, दूसरा है मिक्सीडिमा, तीसरा है एक्सोपैथेलेमिक ग्वाइटर, और फोर्थ है ग्रेवास रोग। जल्दी बताना इनमें से कौन सा। अच्छा बेटा ये रोग वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है शायद तक, तो आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है बेटा क्रिटिनिज्म, क्या बोला जाता है, क्रिटिनिज्म बोला जाता है, ए ऑप्शन, इसको बोला जाता है बेटा क्रिटिनिज्म, क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, हाँ जी। क्रिटिनिज्म ठीक है ना, क्रिटिनिज्म, नहीं 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 राधिका, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, है ना, हाँ जी बेटा चलो, है ना, आज का सेशन समाप्त हुआ बेटा, अरे थैंक यू, जय हिंद सभी को। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रहे हैं, हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, क्या बात है मेरे भाई। आज सर मम्मी पापा पर, एक ज्योति मम्मी पापा पर मैं कल सुनाऊंगा बेटा, पूरी पोएट्री मम्मी पापा पर, है ना, हाँ जी बेटा ठीक है, कान्हा वाली थैंक यू सर, जय हिंद मेरे भाई। आदित्य गुर्जर ठीक है, राम राम सर, राम राम मेरे बेटे,
मेरे भाइयों, तुम्हारे अहंकार का मौसम बड़ा सुहाना लगे। क्या लिख रहे हो? सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा अगर बुरा ना लगे। अगर तुम्हारे बस में हो तो भूल जाना मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद जमाने लगे। क्या बात है! क्या बात है, शानदार है ना बेटा। चले फिर खत्म करें सेशन, है ना। चलो सुनो शायरी सुनो। हाँ जी, हाँ ठीक है। सक्षम जाधव जी, जय हिंद बेटा सभी को, है ना। चलो सुनो आज की शायरी। ना जाने वो शख्स मुझसे दूरियां क्यों बना रहा था, ना जाने वो शख्स मुझसे दूरियां क्यों बना रहा था। मैं अपने प्यार की भीख मांगते मांगते अपनों ही नजरों में गिरा जा रहा था। जब खोल कर देखे मैंने उसकी जिंदगी के पन्ने, जब खोल कर देखे मैंने उसकी जिंदगी के पन्ने, तो पता चला मेरे से किए वादे वो मेरे रकीब से निभा रहा था। हो गया बेटा, चलो शायरी हो गई है आज का, हो गया। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे, इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दुआ करो कि सब सलामत रहें बेटा, सभी लोग खुशहाल रहें और कोरोना काल में घर बैठे रहें, हाथ धोते रहें, वरना गवर्नमेंट तुमको धुला लेगी, है ना। हाँ, कुछ लाइफ के ऊपर। हाँ सुनो बेटा, लाइफ के ऊपर ध्यान से सुनना, अगर तुमने बोली है तो लाइफ के ऊपर सुनना, है ना बेटा। सर जी जल्दी सुनाइए। सुनो बेटा, जो बीत गया वो जमाना वापस नहीं आते, जो बीत गए जमाने वो वापस नहीं आते। आते हैं लोग नए मगर पुराने नहीं आते। ये फूटी हुई बस्ती का उजड़ा हुआ खंडहर, ये फूटी हुई बस्ती का उजड़ा हुआ खंडहर, जहां पंछी भी रात बिताने नहीं आते। और सोच समझ कर अपने घर में अलाव को जलाना मेरे दोस्त, ये वो पड़ोसी हैं जो आग बुझाने नहीं आते। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय माता दी, जय कन्हैया जी की, जय श्री राम। सभी लोगों को गुड नाइट।